दोस्तों, अगर आप इस्तेमाल करते हो एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन तो आपने अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कभी ना कभी कॉल बैरिंग ऑप्शन को जरूर देखा होगा। लेकिन ऐसे में क्या आप जानते हैं कि कॉल बैरिंग ऑप्शन होता क्या है, इसका बेसिकली क्या यूज है मोबाइल में, और किस तरह आप अपने मोबाइल में या फिर किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कॉल बैरिंग को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी के चैनल में। दोस्तों, कॉल बैरिंग फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है और आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ये फीचर आपको लगभग सभी स्मार्टफोन्स के अंदर आसानी से मिल जाएगा। इस फीचर का इस्तेमाल आप सभी फोन्स के अंदर आसानी से कर सकते हैं। इस फीचर की मदद से आप अपने स्मार्टफोन के अंदर किसी भी तरह के इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स या फिर इंटरनेशनल कॉल जो भी आपके मोबाइल में आते हैं, उन सभी को आप आसानी से ब्लॉक कर सकते हो, यानी बंद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपके मोबाइल में आप चाहते हो कि आपके मोबाइल से किसी भी तरह का आउटगोइंग कॉल कोई भी कॉल ना कर पाए, या फिर आप चाहते हो कि आपके फोन में किसी भी तरह का इनकमिंग यानी आपके नंबर पे कोई फोन ना कर पाए, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके फोन नंबर पे किसी भी तरह का इंटरनेशनल कॉल ना आए, तो ऐसे कंडीशन में आप आसानी से कॉल बैरिंग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें ब्लॉक कर सकते हो। तो बेसिकली यही होता है कॉल बैरिंग, और इन्हीं सब चीजों के लिए कॉल बैरिंग फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कॉल बैरिंग एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली दो तरीके हैं। एक आप शॉर्टकट कोड से कर सकते हो और दूसरा आप अपने मोबाइल के कॉल सेटिंग में जाके इसे एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, शॉर्टकट कोड, वो बेसिकली कॉल बैरिंग का फीचर नहीं है, वो शो माय कॉलर आईडी का फीचर है। यानी आप अपने मोबाइल में शो माय कॉलर आईडी को हाइड करके अपने फोन में आउटगोइंग कॉल को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी बंद कर सकते हो। तो इस फीचर को बेसिकली आप एक तरह से कॉल बैरिंग की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कॉल बैरिंग का फीचर नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आप इसे कॉल बैरिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सीधा हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने फोन में आउटगोइंग कॉल को ब्लॉक कर सकते हो, चाहे वो एंड्रॉइड स्मार्टफोन में हो या फिर आईफोन में हो। तो बेसिकली ये कोड दोनों ही फोन के अंदर काम करने वाला है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोन में मैन्युअली फोन के सेटिंग में जाके, कॉल सेटिंग में जाके कैसे इसे एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो मोबाइल में कॉल बैरिंग को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के कॉल डायल पे जाना है और यहाँ पर आपको एक कोड टाइप करना है *31#, और उसके बाद आपको कॉल का बटन दबा देना है। तो जैसे ही आप कॉल का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपसे ये बोलेगा आउटगोइंग कॉलर आईडी सर्विस वॉज इनेबल, जिसका मतलब ये है कि कॉल बैरिंग एक्टिवेट हो चुका है आपके मोबाइल पे। इसके बाद देखिए, हम किसी को कॉल करेंगे तो ये कॉल नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, तो यहाँ पर हमने ये डायल किया और ये कॉल किया, तो यहाँ पर देखिए ये कॉल नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कॉल नहीं जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कॉल एंडेड। दोबारा से हम ट्राई करते हैं कॉल करने की, तो यहाँ पर देखिए कॉल नहीं जा रहा, अपने आप कॉल कट जा रहा है। तो अब क्या करना है, ये आपके फ़ोन में कॉल बैरिंग एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं अपने फ़ोन में कॉल बैरिंग को डीएक्टिवेट करना, तो आपको अपने मोबाइल पे कोड टाइप करना है *31#, और उसके बाद आपको सिंपली कॉल बटन पे दबा देना है। तो जैसे ही आप कॉल बटन पे दबाएंगे तो यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा, एक मैसेज, आउटगोइंग कॉलर आईडी सर्विस हैज़ बिन डिसेबल, जिसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल में कॉल बैरिंग डीएक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आप देखिए, अगर कॉल करते हैं तो आपके मोबाइल से कॉल जाएगा। ये देखिए, हमने यहाँ पे फोन करा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन जा रहा है हमारे फोन से। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी आसानी से आप अपने मोबाइल में इस शॉर्टकट कोड की मदद से आउटगोइंग कॉल को ब्लॉक कर सकते हो, चाहे वो आईफोन हो या फिर एक एंड्रॉयड फोन हो। तो इस फीचर से आप सिर्फ आउटगोइंग कॉल को ही ब्लॉक कर सकते हो, किसी भी तरह के इनकमिंग कॉल, चाहे वो नॉर्मल कॉल हो या फिर इंटरनेशनल कॉल हो, उसे आप ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर आपको इंटरनेशनल कॉल को ब्लॉक करना है या फिर इनकमिंग कॉल को ब्लॉक करना है, तो इसके लिए बेसिकली आपको अपने मोबाइल के कॉल सेटिंग के अंदर कॉल बैरिंग को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना होगा। तो चलिए, अब हम सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मैनुअली कॉल बैरिंग को एक्टिवेट और कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। कॉल बैरिंग को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के डायल पर जाना है, और उसके बाद अब आपको यहाँ पर मोर पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर सेटिंग्स, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉल बैरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप वॉइस कॉल को सिलेक्ट करें,
ध्यान रहे कुछ नॉर्मल फोन्स के अंदर ये सेटिंग्स अलग होगा, तो आपको अपने कॉल सेटिंग्स के अंदर जाना है जिस भी ऑप्शन में आपको ये कॉल बैरिंग का ऑप्शन मिल जाए। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आउटगोइंग कॉल्स और इंटरनेशनल कॉल्स, इनकमिंग कॉल्स। तो अगर आप इंटरनेशनल कॉल को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ से इसे टर्न ऑन कर देना है। टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पर आपसे ये आपका फ़ोन कोड मांगेगा। ध्यान रहे अगर आपके फ़ोन में जो भी डिफ़ॉल्ट कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है, आपका कोई सिम कोड नहीं होगा। ध्यान रहे आपका जो भी फ़ोन का डिफ़ॉल्ट कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और सिंपली ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में कॉल बैरिंग एक्टिवेट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो आपको सेम यहीं पर आना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में डिफॉल्ट कोड डाल के इसे डीएक्टिवेट कर देना है, यानी बंद कर देना है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने मोबाइल में कॉल बैरिंग को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है कॉल बैरिंग कोड की। तो इंटरनेट पर आपको कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें आपको ये बताया जाता है कि अगर आपको कॉल बैरिंग का कोड चाहिए तो ऐसे में आपको कस्टमर केयर को कॉल करना होगा, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। कॉल बैरिंग जो भी कोड होता है वो बेसिकली आपके फ़ोन का डिफॉल्ट कोड होता है। तो अगर आपके पास डिफॉल्ट कोड है तो आप अपने फ़ोन में कॉल बैरिंग को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3-4 सिम के कस्टमर केयर को कॉल करा और उनसे मैंने पूछा कॉल बैरिंग का डिफॉल्ट पासवर्ड क्या है। तो उन्होंने जवाब में बताया कि कॉल बैरिंग का जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो बेसिकली आपके फ़ोन का डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, ना कि सिम का। तो हम आपको किसी भी तरह का कॉल बैरिंग का डिफॉल्ट पासवर्ड प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपका फ़ोन में जो भी डिफॉल्ट कोड है वही बेसिकली आपके कॉल बैरिंग का डिफॉल्ट कोड होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास अगर आपके फ़ोन का डिफॉल्ट कोड है तो आप कॉल बैरिंग को एक्टिवेट कर सकते हो या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो अपने फ़ोन के मॉडल के हिसाब से कि आपके फ़ोन का डिफॉल्ट कोड क्या है और इसके हिसाब से ही आप अपने फ़ोन में कॉल बैरिंग को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल बैरिंग क्या है, इसका बेसिकली क्या यूज है और कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर कॉल बैरिंग को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, मन में कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब पर क्लिक करके और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।